मामला था इसके साथ। सर ये 1995 में मैंने ये प्लॉट बैरू नाम के व्यक्ति से लिया था, जो यहाँ डाणी बना करके रहता था। उसके बाद कई अरसे तक ये प्लॉट ऐसे चलता रहा। 2011 में मैंने इसको नियमन करवा लिया। नियमन करवाने के बाद कोई पड़ोसियों से रास्ते का जोड़ चला, संभागीय आयुक्त में हमारा केस चला, हम जीते। सिंगल बेंच हाईकोर्ट जयपुर से हम जीते, डबल बेंच से हम जीते। उसके बाद मैंने प्लॉट सेल आउट कर दिया। सेल आउट कर दिया तो इसको मेरे काम के लिए रखा हुआ था रामपाल। इस रामपाल ने अपना हक जताने लग गए, समझा इसकी खूब की, लेकिन माना नहीं, इसलिए आज केस करके और खाली करवा रहे। आपका नाम? अयूब खान। नाम के व्यक्ति ने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि साहब मेरे एडीए के अलॉटशुदा प्लॉट पे किसी ने पट्टियां डाल के अतिक्रमण कर रखा है, और वो उसमें कोर्ट के 5 कोर्टों से उसके पक्ष में आदेश भी हो रखा है। इस प्रकरण में हमने रामपाल रेगर और उसके लड़के के खिलाफ जुर्म प्रमाणित माना है, और जो अतिचार का विशेष सामग्री थी ये पट्टियाँ और दूसरा सामान जो था उसको हमने जब्त करके थाने में रखवाया जा रहा है। सर किसके नाम था ये? ये सबसे पहले अयूब खान के नाम से ये प्लॉट अलॉट हुआ था, और अयूब खान ने फिरदौस नाम के किसी व्यक्ति को बेचा है, अभी वर्तमान में उसी के नाम बेचा है। कब्जा किसने करा था? कब्जा रामपाल रेगर, और उसने अतिक्रमण किया, इसका अतिचार किया, इसी कारण से इसमें जो सामग्री जो रखी हुई है उसको जब्त करके हम थाने पे सुरक्षित रखवा रहे हैं।